दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग सेट नंबर 3 की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस की। और ये जो क्वेश्चंस होंगे मई जून जुलाई, यहाँ पर इन तीन टॉपिक से पिक किए हैं बेसिकली हमने। और ये टेस्ट आप जाकर practicemock.com की वेबसाइट पर दे सकते हैं, वहां पर आपको सेवरल टेस्ट मिल जाएंगे और आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं फ्री मॉक को देखकर कि आपका लेवल कैसा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो आप लोग जाएं और जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें कहा गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2018, इससे किसको सम्मानित किया गया, उनके नाम आपको बताने हैं। तो ये दो लोगों को किया गया, एक है लॉरेंस हेडेड और दूसरा है डेविड नेब्रो। अगर आपसे पूछा है कि लॉरेंस हेडेड ये यूके के हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, और डेविड नेब्रो ये भी यूके बेस्ड है, मेडिकल डॉक्टर। तो बेसिकली इनका जो वर्क था वो क्या था कि जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उनको और भी ज़्यादा रिड्यूस करना, उसके लिए बेसिकली वर्क करना। तो ये कहा जाए कि न्यूट्रिशन चैंपियंस विन 2018 वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। तो इनको ये जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा कि इन्होंने किस फील्ड में वर्क किया, कहाँ से थे, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी बैंक है जिसने अभी नाबार्ड के साथ मिलकर कोलेट्रल फ्री क्रेडिट जो है ये किसानों के लिए तेलंगाना में, ओके, तो ये प्रदान करने के लिए कौन सी बैंक ने मुहिम चलाई। तो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, ओके, इनके बीच में टाई अप है ये बेसिकली। और आपसे पूछा है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कभी भी पूछ लिया जाता है तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमेटी टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हु विल हैड दिस कमेटी। गवर्नमेंट ने अभी क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रावधानों हैं उनके प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई, तो उसका अध्यक्ष, उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो उसके नेतृत्व के लिए कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसके सेक्रेटरी को बनाया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ओके। तो ये न्यूज आपने देखा है कि ये पीआईबी में न्यूज आई थी, 15 जुलाई की बेसिकली न्यूज है, ओके। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू इन सारी चीजों को देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जो कि कंपनी एक्ट 2013 को रिव्यू करेगी। और इसका जो अध्यक्ष या कहा जाए जो हेड, वो किसको बनाया, ये है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहां पर ध्यान से देना, भारत की मेजर कंपनी है इंफोसिस। इंफोसिस बेसिकली आईटी सेक्टर में डील करती है और अभी इसने एक पार्टनरशिप की है सेमेंस पीएलएम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर, ओके, जिसमें ये क्लाउड बेस्ड आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस बनाएगी। तो उसका आपको नेम बताना है क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो नेम है ये माइंड स्पेयर। तो आपसे अगर हिंदी में क्वेश्चन बने कि भारत की आईटी प्रमुख इंफोसिस है, इसने इस कंपनी के साथ साझेदारी में प्रवेश किया ताकि ये क्लाउड और कुछ क्लाउड पर बेस्ड जो है आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके, उसका नाम क्या है, माइंड स्पेयर, ओके। ये इंफोसिस की जो प्रेस रिलीज है 5 जुलाई की, उसमें ये चीज़ बताई गई कि इंफोसिस इसकी पार्टनरशिप हुई है सेमेंस टू इस कंपनी के साथ में, जिसमें डेवलप करेगी आईओटी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ऑन माइंड स्पेयर, ठीक है। तो हमसे टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि वो कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है, राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीट सलाहकार आयोग में किस खिलाड़ी को एशिया के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको एशिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, किसमें, ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में, ठीक है, इस कमीशन में। तो ये आपका सही जवाब है दीपिका पल्लिकल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली कि दीपिका पल्लिकल, या फिर ये पूछा है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि दीपिका पल्लिकल बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, किस स्पोर्ट्स को ये खेलती हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ओके। और ये हमारी जो न्यूज़ है बेसिकली, ये आपने देखा होगा जुलाई स्टार्टिंग में, 7 जुलाई के आसपास में न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर, ठीक है, और कुछ हमने मई के भी न्यूज़ यहाँ पर रखी हैं, तो हमसे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा गया है कि इन विच इंडियन सिटी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं यूनेस्को, विल सेट अप अ डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए जो डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग है ये यूनेस्को के द्वारा
भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में। ओके, तो ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ओके, और इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, न्यूज में भी आया हुआ है, यूनेस्को टू सेट अप अ डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग इन विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज साइंड एन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड द फ्री डिजिटल ट्रेनिंग टू 9500 कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर 1 ईयर। वो कौन सा राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 9500 जो है कॉलेज स्टूडेंट्स को, इनको एक साल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके लिए एक समझौता किया है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान का और माइक्रोसॉफ्ट का एक अभी एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। इसमें ये 9500 कॉलेज छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण जो है, डिजिटल एजुकेशन जो है, इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, और ये भी जो है जुलाई 10 को न्यूज़ आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों ये है। अगला आपका क्वेश्चन जो है, जिसमें कहा गया है विच मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $503 million फॉर लाइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द सोन कनाल इन बिहार। मतलब कि बिहार में सोन नहर की अस्तर परियोजना के लिए किस बहुपक्षीय आर्थिक संगठन ने $503 million को ही मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इस बैंक के द्वारा $503 million की मंजूरी दी गई है, और किस लिए? बिहार में सोन नहर की अस्तर परियोजना के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये PIB में भी आया हुआ था, और ये 9 जुलाई का बेसिकली प्रेस रिलीज है, जिसमें कहा गया ADB accords अप्रूवल ऑफ लाइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ द सोन कनाल इन साबाद भोजपुर रीजन इन बिहार। ठीक है, तो वहां पर ये बेसिकली है। और जो इससे कंसर्न अगर पूछा है कि कौन थे वहां पर, श्री आर के सिंह टेक रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन अ मीटिंग सेस टेंडर शुड बी इशूड बाय द 1st week of October। ठीक है, और ये जो आर के सिंह जी हैं, ये क्या है, ये है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इसके अंडर में, इनके अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है कि कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्री है श्री आर के सिंह के अंडर में, तो ये आती है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि कौन से स्टेट की हाईकोर्ट ने अभी एनिमल किंगडम इज अ लीगल एंटिटी ये अभी वर्डिक्ट दिया है। मतलब कि वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने अभी पशुओं के साम्राज्य को कानूनी इकाई जो है घोषित कर दिया है, मतलब कि जो एनिमल किंगडम है वो एक लीगल एंटिटी है। ओके, तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है इसने ये बात कही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि जो ह्यूमन लिविंग राइट्स हैं उनके इक्विवेलेंट जो है एनिमल को भी कहा गया है। एनिमल्स आर लीगल एंटिटी हैव राइट्स ऑफ द लिविंग पर्सन। ठीक है, ये कोड ऑफ लॉ के थ्रू ये चीज़ आई है यहाँ पर। ओके, और अगर उत्तराखंड के CM की बात की जाए तो ये TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर वहाँ पर कौन है, ये हैं कृष्ण कांत पॉल। ठीक है, अगर कोई भी अपडेट होता है तो वो गवर्नर में होता है, आप उसको अपडेट जरूर कर लें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है, जिसमें कहा गया है लीगाट्रिक्स, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लीगाट्रिक्स बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑयल पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसका नाम आपको बताना है। तो बेसिकली क्या है लीगाट्रिक्स, देखो ये लीगल से आ रहा है। ठीक है, लीगल का मतलब होता है कानूनी। लीगाट्रिक्स क्या है, एक कानूनी और न्यायात्मक अनुपालन को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए ए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो कौन से PSU के द्वारा, ऑयल PSU के द्वारा ये अपनाया गया? ओके, तो ये दोस्तों NRL, अगर ऑप्शन लिखा मिल जाए NRL, मतलब कि ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसके द्वारा ये PSU है बेसिकली एक, और इसके द्वारा ये लीगाट्रिक्स है, ये इसको अभी जल्दी से इफेक्टिव किया गया। ओके, तो ये न्यूज़ में भी आया था बेसिकली, और ये आया था 2 जुलाई की न्यूज़ में। NRL becomes first oil PSU to introduce online legal compliance system। अगर आपसे पूछा है कि वो कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने अभी ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया, तो आप बताओगे NRL, इसकी फुल फॉर्म है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर है जिसमें कहा गया है, ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है और आप RRB का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्रथमा बैंक इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। प्रथमा बैंक जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसे 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। तो आपको पूछा जा रहा है
कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र प्रायोजित करता है, मतलब कि स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है, ओके जो इस बैंक को स्पॉन्सर्ड करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सही जवाब है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, आपसे पूछा है कि प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें, यूपी मुरादाबाद में ये है बेसिकली। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आरआरबीज हैं, अगर इसमें स्टैक की बात की जाए, तो एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक, तो इनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी रहती है, तो मैं आपको बता दूं जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है इसकी 35% होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसकी होती है 15%, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी होती है 50%। ठीक है, तो ये आंकड़े बहुत ज़रूरी है अगर आपसे पूछा जाए इस टैक्स की, ठीक है, कि जो केंद्र सरकार है उसका 50% होता है, राज्य सरकार का 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उसका होता है 35%। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पौधागिरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पौधागिरी, ये कैंपेन चलाई, तो आपसे पूछा है कि पौधागिरी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की, तो ये है दोस्तों हरियाणा। तो अभी न्यूज में भी ये आया था बेसिकली, जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने पौधागिरी कैंपेन हरियाणा में लॉन्च की, और ये मेन इसका मेन मोटिव क्या है, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द स्टेट, मतलब कि ग्रीनरी को बहुत बड़े लेवल पर स्टेट में जो है बनाना लगाना, तो ये मेन मोटिव है इसका। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज एंटर्ड इंटू ज्वाइंट वेंचर विथ साउथ कोरियाज केवी फाइनेंशियल ग्रुप फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव पेमेंट बिजनेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने दक्षिण कोरिया के केवी फाइनेंशियल ग्रुप के साथ मिलकर जो ये इनोवेटिव पेमेंट बिजनेस है इसको डेवलप करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर अभी किया है, तो ये है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप इस तरीके से लिखे बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, केवी फाइनेंशियल ग्रुप, केवी फाइनेंशियल ग्रुप इसके साथ मिलकर, ठीक है, जिसमें ये लोग इनोवेटिव पेमेंट बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेंगे। तो ये बेसिकली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीओबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये बड़ोदरा, और इसके सीईओ और एमडी कौन है, पीएस जयकुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 14 की। इसमें कहा गया है कि लिवोर एक बेंचमार्क दर है, मतलब कि लिवोर क्या है, एक बेंचमार्क रेट है, जिसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड की लीडिंग बैंक हैं वो एक दूसरे पर चार्ज लगाती हैं इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, और एल का मतलब पूछा गया है, लिवोर में एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है लंदन। अगर इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, जो क्या है कि जो वर्ल्ड की लीडिंग बैंक है वो इस रेट पर एक दूसरे से शॉर्ट टर्म के लिए चार्ज करती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए ये, और पूछा भी जा चुका है पहले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे कि एंग्लिक कर्वर हैज बॉर्न विंबलडन 2018 वुमेन सिंगल्स चैंपियनशिप विच कंट्री सी रिप्रेजेंट, मतलब इन्होंने अभी विंबलडन 2018 महिला एकल चैंपियनशिप अपने नाम पर की, और ये किस कंट्री की है, तो ये जर्मनी की। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा विंबलडन है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो मैन सिंगल्स की अगर बात की जाए तो ये जीता है किसने, नोवाक डिजोकोविक, तो ये सर्बिया के हैं, और अगर वुमेन्स की बात की जाए तो ये आया है किसके पास में, जर्मनी के पास में, एंजेलिक कर्वर, ओके। और अगर मेंस डबल की बात की जाए तो ये यूएस में है, माइक ब्रेन और जैक सॉक, ठीक है, और अगर वुमेन्स की बात की जाए तो ये बेरा वोरा और कैटरीना, ठीक है, ये सेज रिपब्लिक। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे इस यहाँ पर पूछा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो। विंबलडन 2018 में सबसे पहले सिंगल्स का देख लो और वुमेन सिंगल्स का, मैन और वुमेन दोनों का सिंगल्स और दोनों का डबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ये कहा जाए कि अभी कौन सी बैंक को जो सिक्योरिटीज होती हैं इनकी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के तौर पर सेबी के द्वारा कौन सी बैंक को अभी अप्रूवल मिला है, ओके, तो उस बैंक का नाम है दोस्तों यस बैंक।
तो डायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए कौन सी बैंक को सेबी ने नॉमिनेट किया है, तो उसका नाम होगा यस बैंक, ठीक है। और अगर यस बैंक के हेडक्वार्टर को पूछा है तो ये है मुंबई में और इसकी सीईओ राणा कपूर, ठीक है। आप लोग मुझे ये कमेंट में बताओ कि सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कई बार पूछा आता है, और इसके सीईओ, ठीक है, ये भी चेयरमैन सीईओ हमसे पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये आप लोग कमेंट में मुझे रिप्लाई करो। और जैसे बैंक है उसका अगर पूछा है रेगुलेटर तो कौन होता है, आरबीआई। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि जो मार्केट का रेगुलेटर होता है कैपिटल मार्केट का, तो वो कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17, इसमें कहा गया है कि जोहानसन वर्ग डिक्लेरेशन जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो जिस किसी ने भी ब्रिक्स की न्यूज पढ़ी होगी उसको पता होगा, तो जोहानसन वर्ग डिक्लेरेशन जो है ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ओके। और आपने ये देखा होगा कि जो 10th ब्रिक्स समिट वो कहाँ पर, वो बेसिकली डील करता है जोहानसन वर्ग डिक्लेरेशन से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ब्राजील 5 ग्रुप है, आप सभी को पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके। और जो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 25 से 27 जुलाई जोहानसन वर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे अगर वेन्यू पूछा है कि 10th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई तो भी आप बता सकते हैं, अगर ऐसा पूछा है जोहानसन वर्ग डिक्लेरेशन जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है तब भी आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है 18th वाला, इसमें कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय 51% स्टेक इन द विच पब्लिक सेक्टर लेंडर, मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी LIC ने 51% हिस्सेदारी जो है वो कौन सी बैंक है उसकी खरीदी है, ओके, मतलब उसको टेक ओवर कर लिया है। अगर किसी के 51% स्टेक आ गया तो दैट मीन्स उसका स्वामित्व मैक्सिमम, मतलब कहा जाए उसके पास आता, तो ये टेक ओवर हो जाता है, ओके। तो ये IDBI को, तो ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट और है, विच रैंक डिड इंडिया ऑप्टेन एट रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं GII, तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक को प्राप्त किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो भारत की रैंक है 57 नंबर की, 57th रैंक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। और ये न्यूज जो है जुलाई 11 की है, जिसमें कहा गया कि इंडिया क्लाइम्स 3 स्पॉट टू 57th इन द ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग्स, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर और है, टू इनेबल द हैसल फ्री कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन फॉर बैंक्स करंट ओवरड्राफ्ट कस्टमर्स, विच बैंक हैज लॉन्च KBL डिपॉजिट ओनली कार्ड, तो अगर आपसे पूछा है कि KBL डिपॉजिट ओनली कार्ड ये जो है अभी कौन सी बैंक ने ये स्कीम या फिर कहा जाए ये फीचर लॉन्च किया है, और जिससे कि ओवरड्राफ्ट और जो बैंक में करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना हो नकदी जमा लेन देन में, तो उनके लिए KBL डिपॉजिट ओनली कार्ड जो है ये लॉन्च किया है किसने। देखो KBL से आप आइडेंटिफाई कर लेना, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, ठीक है, तो ये सही जवाब क्या होगा, कर्नाटका बैंक, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। और इसमें जो 24/7 ई लॉबी सर्विसेज भी दी गई हैं, और अगर कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंगलोर में, और इसके सीईओ कौन है, MS महावलेश्वरा, ठीक है। KBL डिपॉजिट ऑनली कार्ड, हमसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर मैं आपको 5 और क्विक क्वेश्चंस दूंगा, ये क्वेश्चंस सारे मई के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पिक किए। पहला ये है कि यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसने क्या किया है, अलाउ कर दिया है जो विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, ओके, तो इनके लिए जो पुलिस कंप्लेंट करने की जो डेट है या फिर पुलिस कंप्लेंट करने की जो आयु है उसको 25 साल कर दिया है। अगर कोई ऐसा, ठीक है, जिसके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस है अर्लियर एज में हुआ है तो वो 25 साल की एज जब तक अटेन ना हो जाए तब तक वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, ओके, तो ये चीज है। तो आप लोग देख लो, एज लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टिल 25, ठीक है, तो ये न्यूज में भी आया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, यह है प्राप्ति, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राप्ति बेसिकली है क्या। तो जो हमारे यहाँ के यूनियन पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह, अभी हमने पीछे डिस्कशन में लिया था इनका नाम, तो इन्होंने एक वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है प्राप्ति। ये क्या करेगा कि जो भी बिजली के भुगतान होंगे, ठीक है, जो पावर पेमेंट्स हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ट्रांसपेरेंसी इन पावर पेमेंट्स, ठीक है। प्राप्ति ऐप के द्वारा बिजली भुगतानों में पारदर्शिता लाई जाएगी, ऐसा बन सकता है, ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों कहा गया है द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया है फुल फ्लेज ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं GSDP। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GSDP ये प्रोग्राम जो है कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। ओके तो ये जो आता है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके और ये लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ये एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। ओके तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ओके तो इसमें क्या चीज़ है और भी ज़्यादा, इसका मेन एम क्या होगा GSDP का, टू ट्रेन ओवर 5.5 लाख वर्कर्स, 5.5 लाख 5.5 लाख वर्कर्स को ट्रेन करना इन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर्स में, जो कि डेडलाइन क्या है इसमें 30 कोर्सेज इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसकी समय सीमा है 2021 तक। तो इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति भी PIB में जारी हुई थी 14 मई को। ओके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये मिनिस्ट्री किसके पास आती है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में। तो इसमें लगभग 5.5 लाख लोगों को 2021 तक 30 कोर्सेज के साथ ट्रेन किया जाएगा। न्यूज़ आपके लिए दोस्तों यही है। ओके अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन लास्ट यहाँ पर, उसको भी देख लो। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है, ये इम्फाल बेस्ट मणिपुर। ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछाएगा कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर, मणिपुर में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछाएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है एक और यहां पर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इनिशियल कॉप्स ऑफ 5,000 करोड़ रुपी फॉर माइक्रो इरीगेशन फंड, मतलब MIF के लिए नाबार्ड के साथ में 5,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। तो हमसे ये पूछ लिया जाएगा और किस स्कीम के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। ठीक है तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपसे बनेगा, इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली आपको सेशन मिलता रहेगा, हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और जो मॉक वगैरह के लिंक है वो नीचे जाकर दे सकते हैं आप अपना स्कोर चेक कर लें फ्री मॉक अटेम्प्ट करके कि आपका स्कोर RRB क्लर्क में कितना आ रहा है, काफ़ी अच्छे टेस्ट के लेवल है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।